आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। मध्य प्रदेश के सागर के देवरी क्षेत्र में लहसुन की बुवाई करने वाले किसान इस बार भाव ना मिलने की वजह से निराश हैं। पिछले साल जो लहसुन 60 से 70 रुपए किलोग्राम तक थोक में बिक रहा था, इस साल उसके भाव 30 रुपए तक भी नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं थ्रिप्स रोग की वजह से उपज भी प्रभावित हुई है। किसानों का कहना है कि उपज कम व भाव ना मिलने की वजह से हम सभी दोहरी मार झेल रहे हैं। किसानों का कहना है कि मेहनत से उगाई लहसुन की फसल के भाव ना मिलने से निराशा है। किसानों ने हाड़ कपाने वाली सर्दी हो या तन झुलसा देने वाली गर्मी में मेहनत करके लहसुन उगाई, लेकिन कंद छोटा होने से उसका सही मूल्य मिल नहीं पा रहा है। क्षेत्र में लहसुन तो ठीक हुआ, लेकिन कंद छोटा रहने से मन के मुताबिक भाव नहीं मिल पा रहे हैं। इस साल गत वर्षों की अपेक्षा दूसरे राज्यों से भी कम डिमांड आ रही है। इससे किसानों के चेहरे से हंसी गायब है। देवरी क्षेत्र में लहसुन और प्याज की बहुत बड़ी मंडी है। लहसुन व प्याज यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि प्रदेशों में जाता था, लेकिन इस बाहर से भी डिमांड कम है। वहीं लहसुन के थोक आढ़तियों का कहना है कि लहसुन की डिमांड करीब एक साल से बहुत कम है। पहले बाहर बेचते थे, लेकिन अब दूसरे जगह से आपूर्ति होने लगी है। गर्मी में लहसुन के भाव में तेजी आना मुश्किल लग रहा है। इससे किसान काफी ज्यादा निराश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।